दोस्तों, टेक्निकल कुलमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपलोड तुरंत। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं टेक्निकल कुलमित। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर में कैसे अपने आप को एक्सपर्ट बता सकते हैं, किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर में कितना जानते हैं। दोस्तों, आपने कई बार कंप्यूटर में कोशिश की होगी ऐसे फोल्डर का नाम लिखने की जो कभी नहीं लिख पा रहे होंगे आप, और एक ही नाम का दो फोल्डर कैसे बनाते हैं वो भी बताऊँगा, 2, 3, 4 कैसे कॉपी करके बनाते हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा है वीडियो। अपने कंप्यूटर में कौन जैसे फोल्डर को लिखते हैं तो देखिए, सिंपली मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ, CON, ये देखिए नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, नया फोल्डर बन गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर ये देखिए, मैं दूसरा फोल्डर का नाम लिख रहा हूँ, NUL, सॉरी NUL, ये भी देख रहे हैं आप लोग नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे ही किसी भी फोल्डर का नाम ऐसे लिखेंगे, PRL, ये हो जा रहा है PRL, ये देख लें। दो बार कोशिश किया हूँ बनाने की लेकिन नहीं बन रहा है फोल्डर, रिप्लेस करने के लिए बोल रहा। अब ये देखिए AUX, इसका भी फोल्डर मैं बनाता हूँ, AUX नहीं बन रहा। अब देखिए, एक ही नाम का दो फोल्डर मैं बनाया हूँ कुलमित नाम से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक ही नाम का दो फोल्डर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बस दो कोड याद रखना है, पहला 0160 और दूसरा कोड 255। दोस्तों, इन कोड का यूज करके आप अपने किसी भी फोल्डर का नाम आसानी से लिख सकते हैं। और जो आपको बता रहे थे कि दो नाम का फोल्डर एक कैसे बनाए, वो भी बन सकता है ऐसे ही। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन फोल्डर कैसे बनेगा। दोस्तों, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके आप फोल्डर पे आइए, उसके बाद से आपको बस अल्टर दबाना है। अल्टर दबा के आपको कोड जो बताया हूँ उन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, 10160 या 255। तो मैं 255 यूज करके अल्टर छोड़ देना है। अब आपको बस CON डालना है और ओके कर देना है। ये देखिए, इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मैं एक दोबारा एक फोल्डर बनाया हूँ, इसलिए तो इसको रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। तो ये इस कर देते हैं। अब इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद से आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, फोल्डर, अब देखिए अल्टर दबा के 255 CON, ये देखिए फोल्डर बन गया। अब ऐसे ही इसका फोल्डर बनाना है, ANUL, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। इसका फोल्डर बनाता हूँ अल्टर दबा के 255 NUL, इंटर, ये देखिए बन जा रहा है फोल्डर। अब मैं इसका बना के दिखाता हूँ, AUX का, इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। अभी मैं बताऊँगा एक ही नाम का दो फोल्डर कैसे बनता है। अब मैं कोड यूज कर रहा हूँ 255 या 10160। अब इसके बाद से AUX, इंटर, देखिए बन जा रहा। अब इन सारे फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको बता रहा हूँ कि अब देखिए मैं कौन का फोल्डर बनाऊँगा बिना कोई बटन दबाए, बस ओनली CON, देखिए नहीं लिख पा रहा। अब ये देखिए, एक ही नाम का दो फोल्डर कैसे बनाए उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको
मैं डिलीट कर देता हूँ सारा, डिलीट करके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिख लीजिए कोई भी नाम, कुलमित, इंटर कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, राइट क्लिक करके फिर न्यू पे जाइए और आपको फोल्डर पे क्लिक करना है। अब बस दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आप कुलमित लिख के कोई भी नाम लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। उसके बाद आपको बस अल्टर दबा के 255 दबा देना, इंटर कर देना। देखिए कैसे दो फोल्डर का नाम हो गया। ऐसे कोई भी फोल्डर कर सकते हैं, ये नहीं कि मेरा ही नाम, ये कर सकते हैं आप, राहुल हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट राहुल, अल्टर पकड़ के दबा के 255, सॉरी कुछ और हो गया, रीनेम करते हैं राहुल, अल्टर 255। ये देखिए, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे बिना नाम का ही फोल्डर बना दें, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। देखिए ये मैं जैसे बनाया हूँ, तो आपको सिर्फ क्या करना है, न्यू पे जाके फोल्डर पे आना है। सिर्फ आपको दोस्तों उन दोनों कोड में से कोई भी कोड यूज करना है, 255। ये देखिए नहीं बन रहा है इसलिए, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फोल्डर पे जाता हूँ, उसके बाद से अल्टर दबा के 255। देखिए बन रहा है। अल्टर दबा के 0160 नहीं बन रहा है, रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। तो एक बार में आप एक ही बना सकते हैं, एक ही नाम का फोल्डर। दोस्तों आपने कई बार सोचा होगा कि राइट क्लिक, जो राइट क्लिक किया जाता है उस पर आपका नाम कैसे आए। देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे कुलदीप दिख रहा होगा, कुलदीप गुप्ता। तो दोस्तों ये कैसे आता है ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आपको विंडो आर दबाना है, विंडो वाला बटन होता है कीबोर्ड में वो, और आर दबाना है। उसके बाद आपको ये आर ई जी डी जी ई डी आई टी ये दबाना है और आपको ओके क्लिक कर देना है। अब आपको यस कर देना है। ये देख रहे होंगे आपको ढेर सारा फाइल दिखेगा। अब आपको ढूंढना क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये देखिए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है, सेल पे राइट क्लिक करना है। राइट पे के बाद आपको न्यू पे क्लिक करके आपको की पे क्लिक करना है। बस आपको कोई भी नाम लिख सकते हैं, राहुल, राहुल कुमार। अब बस आपको इंटर कर देना है। अब ये नाम लिख गया है, अब आपको इसको बैक पे जा सकते हैं। ये देखिए राहुल कुमार हो गया। अब अपना हम हटाना चाहते हैं तो फिर आप वहीं पे जाइए और यहाँ से क्या कीजिए, अपना मान लीजिए मैं अपना पुराना नाम डिलीट करता हूँ, कुलदीप, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यस, यहाँ से काट देता हूँ। ये देखिए मेरा नाम हट गया है। तो ऐसे आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।